वेलकम क्लास। हम सोशल बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे और इसमें हमने मधुमक्खियों में सामाजिक व्यवहार के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है आपका सोशल बिहेवियर इन मैमल्स, स्तनियों में सामाजिक व्यवहार, इसका अध्ययन हम यहाँ पर खास करके डियर्स के रेफरेंस में या हरिणों के रेफरेंस में हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो हिरण जो हैं वो देखने में सुंदर लगते हैं और इनका शीर्ष जो है वो शरीर पर सीधा लगा रहता है, सींग फैले हुए होते हैं और ग्रीवा भाग इनका मोटा होता है और पूंछ जो है वो छोटी होती है। तो इनकी देह पर जो बाल हैं उनको अगर हम देखें तो शरीर के ऊपर छोटे अमाप के बाल इसके अंदर पाए जाते हैं और इनका रंग इनकी आयु और मौसम के अनुसार परिवर्तनशील रहता है कि ये बदलता हुआ रहता है इसके अंदर। ओके, जो बच्चे हैं उनमें उनको अगर हम देखें तो इनको फॉन कहा जाता है। इनकी त्वचा का रंग कुछ सफेदी लिए हुए होता है और वास्तव में ये त्वचा का जो रंग है ये इनके वातावरण की पृष्ठभूमि से मेल खाता है, यानी ये इनको बचने में सहायता करता है कि इनके जो प्रेडेटर हैं वो इनको देख नहीं पाते हैं और उसके कारण से ये अपने आप को उससे अपने स्वयं को अपने दुश्मन से बचाने में सफल हो जाते हैं। तो हिरण जो है मुख्य रूप से रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स यानी कि इनके अंदर रोमेन जो है वो पाया जाता है, यानी ये जुगाली करने वाले जीव जो हैं वो होते हैं और इनका जो ओरिजिन है वो एशियन कॉन्टिनेंट ही है और लेकिन ये विश्व के लगभग सभी भागों में अब पाए जाते हैं। इन्हें विशिष्ट रूप से यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूएसए में या आर्कटिक गोलार्ध में भी इनको देखा जाता है। ठीक है, आर्कटिक गोलार्ध के जो प्रेरी प्रदेश हैं यानी प्रेरी जो आप जानते हैं घास के जो वन होते हैं वहां पर, और अगर हम क्लासिफिकेशन वाइज देखें तो ये सर्विडी कुल का सदस्य है और आर्कटिक क्षेत्र में जो हिरण हैं उनसा हमारा तात्पर्य इनकी सभी जातियों से है। इसकी जो जातियां हैं उनके अंदर बहुत अधिक विषमता जो है वो पाई जाती है। भारत में हिरण की 9 जातियां जो हैं वो पाई जाती है। इनमें एक एक करके थोड़ा सा इनका विवरण हम यहाँ पर ले लेते हैं कि सबसे पहला है आपका कश्मीरी स्टेग, जो हिरण है कश्मीरी स्टेग इसको कहा जाता है कि ये कश्मीरी स्टेग है या हंगुल इसको कहा जाता है। इसका नाम है सर्वेस एल्फस हंगुल, नाम आप ध्यान रखें, इसके बारे में एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। दूसरा हो जाता है आपका थामिन, जिसका कि जूलॉजिकल नेम है सर्वेस एल डी, या थर्ड जो है वो आपका बारहसिंगा जिसको हम कहते हैं, या इसको स्वाम्प डियर भी कहा जाता है, बारहसिंगा और स्वाम्प डियर, और जो जूलॉजिकल नेम है उसका वो है सर्वेस डुआउसेली। चौथी जो स्पीसीज हमारे यहाँ पर पाई जाती है वो है आपका सांभर, जिसको कि सर्वेस यूनिकॉलर कहा जाता है। एक हो गया आपका हॉग डियर, या जिसको कि हम एक्सिस प्रोसिनस कहते हैं। फिर हो गया आपका चीतल या चित्तीदार मृग इसको कहा जाता है, या जिसको कि स्पॉटेड डियर भी कहा जाता है। इसका जूलॉजिकल नेम हो गया आपका एक्सिस। ये 6 प्रजातियां तो ये हो गई हैं और जो 6 स्पीसीज है वो हो गया आपका मुंटजेक मृग या भौंकन मृग इसको कहा जाता है, मुंटजेक मृग या भौंकन मृग इसको कहा जाता है, मुंडजेक या भौंकन मृग ये हो जाता है, मुंडजेक या भौंकन मृग। ये इसकी स्पीसीज हो जाएगी आपकी मुंटेकस मुंटजेक, और 8वां हो जाएगा आपका मस्क डियर या कस्तूरी मृग जिससे कहा जाता है मोस्चेस मोस्चिफेरस। लास्ट वन जो 9th स्पीसीज है हमारी उसको माउस डियर या मूसा मृग कहा जाता है, शेवरटॉन भी इसका नाम है। इसका जूलॉजिकल नेम हो गया आपका टेगुलस मेमिना। तो ये 9 स्पीसीज जो हैं वो हो गई है। तो हिरण जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं,
एक डियर और दूसरा एंटीलोप। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि हिरण वैसे सभी चरने वाले जंतु होते हैं, सभी हिरण जो हैं वो चरने वाले जंतु होते हैं, और इनके जो सींग हैं वो खोखले नहीं होते हैं, ये ठोस होते हैं और स्थायी होते हैं। जबकि जो एंटीलोप्स हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इनके सींग जो हैं वो खोखले होते हैं, अस्थायी होते हैं, खोखले और अस्थायी सींग जो हैं वो होते हैं, अर्थात ये गिरने वाले होते हैं और मौसम के अनुसार ये रिन्यू होते रहते हैं, नवीनीकृत होते रहते हैं। पहली स्पीसीज के बारे में हम बात करें यहाँ पर, फर्स्ट वन जो है वो आपका हो गया कश्मीरी मृग। ये कश्मीर की घाटियों में रहने वाला जंतु है और अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो ये 2750 से 3650 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। इसके सींगों की अगर हम बात करें तो इसमें 11 से लेकर के 16 तक विभाजन बिंदु जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पर विभाजन बिंदुओं से हमारा क्या मतलब है, जैसे ये यहाँ से बाइफर्केट हुआ, फिर ये यहाँ से बाइफर्केट हुआ, ये फिर एक बाइफर्केशन इसका यहाँ पर हो गया है ये वाला, तो ये इस प्रकार से इसके अंदर 11 से लेकर के 16 तक विभाजन बिंदु जो हैं वो पाए जाते हैं। दूसरी स्पीसीज हो जाती है आपकी यहाँ पर, वो है ब्रो एंटलर डियर या थामिन कहते हैं इसको। तो ये विलुप्त के कगार पर है, यानी इनकी संख्या बहुत कम रह गई है और ये भारत में मणिपुर में लागटेक जो झील हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनके शारीरिक लक्षणों की अगर हम बात करें तो ये लगभग 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं। इनकी स्किन जो है वो थोड़ी खुरदरी होती है और जो सींग हैं इनके वो गोलाकार होते हैं। ये ज़्यादातर आपका सॉफ्ट जो सॉइल होती है, दलदली जो भूमि है उसके ऊपर रहते हैं और इनमें चलने के लिए खुर जो हैं वो पाए जाते हैं। तो भोजन इनका दलदल में तैरने और उगने वाली वनस्पति हैं और उसके लिए ये लगातार वहाँ पर कूदते फांदते रहते हैं, इसलिए इनको डांसिंग डियर भी कहा जाता है कि ये लगातार वहाँ पर उछलते रहते हैं, तो इनको डांसिंग डियर भी कहा जाता है। ये आपका डांसिंग डियर जो है वो उसका एक चित्र है जिससे कि आप इसको इसकी शारीरिक आकार के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका स्वाम्प डियर, ये हो गया आपका थर्ड वन स्वाम्प डियर। इसके पहले हमने देखा था ब्रो एंटलर डियर या थामिन कहा था हमने इसको, और फिर आ जाता है आपका स्वाम्प डियर। तो ये दलदल वाली भूमि में रहने वाला हिरण है या इसको बारहसिंगा भी कहा जाता है। यहाँ पर आप इसके जो सींग हैं उनको देख सकते हैं कि इनको ये डिवीजन होता है इसके अंदर, इसलिए इसको बारहसिंगा भी कहा जाता है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 135 सेंटीमीटर होती है और रंग इसका भूरे रंग का होता है, त्वचा जो है वो इसकी रोमिल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी त्वचा के ऊपर रोम जो हैं ये पाए जाते हैं। ओके, तो इनके जो बारहसिंगा क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर 12 जो हैं वो विभाजन बिंदु जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसे पहला विभाजन बिंदु आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिर ये विभाजन बिंदु ये हो जाएगा ये यहाँ पर, इनके सींग जो हैं वो उनके अंदर 12 विभाजन बिंदु पाए जाते हैं, इसलिए इनको बारहसिंगा भी कहा जाता है। इसकी दो उपजातियाँ हैं, एक तो वो जो कि दलदली भूमि के ऊपर रहते हैं और दूसरे जो कि कठोर भूमि के ऊपर रहने वाले होते हैं। तो इनमें सूंघने की जो शक्ति है वो बहुत तेज होती है और ये अल्परात्रिचर होते हैं कि ये रात्रि में इतना ज़्यादा जो है वो वहाँ पर बाहर नहीं निकलते हैं। ओके, देन फोर्थ वन इज भारतीय मृग या हॉग डियर इसको कहा जाता है। ये आपका फोर्थ टाइप जो है वो हो जाती है हॉग डियर। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर हॉग डियर है ये, जिसकी की ऊंचाई लगभग 61 सेंटीमीटर है और ये घास वाले जंगलों के अंदर ये रहता है। ये हमारे यहाँ पर भारत में नॉर्थ इंडिया में और जो श्रीलंका है वहाँ पर ये पाया जाता है। ओके, और ये है फिफ्थ, जिसको कि हम स्पॉटेड डियर कह रहे हैं। पांचवी जो स्पीसीज है वो है चीतल या चित्तीदार मृग जो है वो भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके शरीर के ऊपर चित्तियों स्पॉट जो है वो बने हुए हैं। तो ये लंका में और भारत के मैदानी क्षेत्र के जंगलों में 4000 फुट की ऊंचाई तक की पहाड़ियों के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। इसको चीतल कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ये जो
ह्यूमन हैबिटुएशन है, मनुष्य के पास में रहना ये पसंद करता है और ये एक सोशल एनिमल है और ये 20 से 30 का झुंड बना करके और रहता है। साइज इसकी थोड़ी कम होती है, पिछले जो हिरण पढ़े हैं हमने उससे ये 90 सेंटीमीटर ऊंचा और 80 केजी का वेट इसका होता है। रंग इसका भूरा होता है और इसके ऊपर सफ़ेद छोटे छोटे धब्बे या चित्ते जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये हो जाती है आपकी स्पीसीज नंबर 5। और जहाँ रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर एक काली धारी इसके अंदर पाई जाती है, जो कि इस डायग्राम में हमारे को नहीं दिख रही, ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर यहाँ पर एक काली रंग की धारी जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। इसका गला अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये सफ़ेद रंग का है और पेट वाला भाग भी इसका सफ़ेद है। रीढ़ के यहाँ पर एक काली धारी पाई जाती है और शरीर के ऊपर चित्तीदार धब्बे जो हैं वो होते हैं, तो इससे आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो नर के जो सींग हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और जो प्रत्येक जो सींग है उसके अंदर 3 शाखाएं होती हैं। ये हर साल गिर जाते हैं और वापस ये आते हैं और ये साल में एक बार में 2 बच्चों को जन्म देने वाला प्राणी ये होता है। ये 5वीं स्पीसीज हो गई आपकी। और छठा जो है आपका वो हो जाएगा आपका मुंडजेक, 6th स्पीसीज मुंडजेक या भौंकन मृग इसको कहा जाता है। ये भौंकन मृग नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये हाउलिंग करता रहता है, इसकी वजह से इसको ये नाम जो है वो दिया गया है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो मुख्य रूप से ये आपका भारत मलेशिया चीन और जापान के घने जंगलों पर लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। 2 फीट की ऊंचा होता है और इसका रंग जो है वो हल्का भूरा, अखरोट के समान भूरा या पीला होता है। इसके चेहरे पर काली धारियां पाई जाती है, यहाँ पर आप देखें इसको चेहरे के ऊपर ये काली धारियां इसके अंदर पाई जाती है। और इसके जो सींग हैं वो 3 इंच तक लंबे जो हैं वो हो सकते हैं और प्रत्येक जो सींग है इसका उसके मुख्य स्तंभ पर एक शाखा जो है वो पाई जाती है। ये बालों से ढके हुए रहते हैं और लगभग जो ग्रंथ है इसका वो 3 इंच तक का लंबा जो है वो हो सकता है। मादा में श्रृंगी के स्थान पर बालों का गुच्छा जो है वो पाया जाता है और पूंछ और हेड जो है वो लगभग समान लंबाई के इसके अंदर होते हैं। ये दिनचर होता है, दिन के समय निकलता है और जब इसको छेड़ा जाता है तो ये कुत्ते के समान भौंकने की आवाज करता है अपने ग्रुप के दूसरे सदस्यों को संकेत देने के लिए, और इसलिए इसका नाम जो है वो हमने भौंकन मृग जो है वो रखा है। ये वर्ष भर प्रजनन करता है और मादा एक बार में 1 या 2 बच्चे देती हैं, जो पहले चितकबरे रंग के होते हैं और बाद में वो भूरे रंग के या पीले रंग के हो जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका स्पीसीज नंबर 6। और अब हम आते हैं स्पीसीज नंबर 7, कस्तूरी मृग। ये आपका स्पीसीज नंबर 7 है, स्पीसीज नंबर 7 कस्तूरी मृग या मस्क डियर इसको कहा जाता है। कस्तूरी के बारे में आपने काफी चीजें सुनी हुई होगी और इसके बारे में भी कई अलग अलग तरह की भ्रांतियां जो है वो बनी हुई हैं। ये मध्य एशिया और हिमाचल में लगभग आपका अगर आप देखें तो 8000 से 12000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है और 50 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी होती है। इसकी देह के ऊपर बाल होते हैं जो कि घने लंबे और सूखी होते हैं। रंग आप देख रहे हैं इसके अंदर इसका ग्रे कलर का या भूरा रंग होता है और इसकी पीठ के ऊपर ग्रे कलर के धब्बे जो हैं वो पाए जाते हैं। इसमें जो पिछली टांगें हैं वो अगली टांगों से लंबी होती हैं, तो चलते टाइम पर इसकी पिछली टांगें जो है वो मुड़ी हुई रहती हैं और 4 इसके अंदर नुकीले खुर होते हैं जो कि जमीन को छूते हुए रहते हैं। सींग इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। कान इसके लंबे होते हैं और चेहरे पर जो सब ऑर्बिटल ग्लैंड्स होती हैं, अध्यय नेत्र कोटर ग्रंथियाँ, ये इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं, जो सामान्यतः सर्विडी कुल के अन्य सदस्यों के अंदर ये पाई जाती है। इसकी पूंछ थोड़ी छोटी होती है जो गुदा के क्षेत्र में बालों में पूरी रूप से छिपी हुई रहती है। ऊपर वाला जो जबड़ा है उसमें नीचे की ओर 3 इंच के लगभग लंबे कैनाइन टीथ जो हैं वो निकले हुए रहते हैं। इस डायग्राम में आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये इसके कैनाइन टीथ जो हैं वो बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। जैसे शेर में आपने देखा होगा जब मुंह खोलता तो दोनों तरफ उसके कैनाइन टीथ जो हैं वो निकले हुए रहते हैं। ये केवल नर के अंदर ही पाए जाते हैं जो लड़ने के काम में आते हैं। नर में इसको कस्तूरी मृग क्यों कहा जाता है कि उदर भाग में त्वचा के नीचे एक कस्तूरी का चेंबर पाया जाता है जिसमें कि पेस्ट लाइक कस्तूरी जो है वो भरी रहती है। जब ये सूख जाती है तो इसको सुगंधित द्रव के रूप में काम में लाया जाता है और ये एक मूल्यवान सामग्री है और जो कि इसके
हत्या का एक कारण जो है वो बनती है कि मनुष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए इसको मार देता है। नर में पूंछ के पास जांघों पर पुच्छ ग्रंथियां जो है वो पाई जाती है और ये पूंछ की अधर दिशा के अंदर पाई जाती है। इनका जो सिक्रीशन है वो मादा को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये इसका एक पिक्चर है मस्क डियर, जिसको कि आप इसके अंदर इसके इनसे पहचान सकते हैं कि इसके जो नर में केनाइंस जो हैं वो नीचे की ओर निकले हुए होते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका स्पीसीज नंबर 7। और अब हम बात करते हैं स्पीसीज नंबर 8 या मूसा मृग या मस्क माउस डियर जिसको कहा जाता है मूसा मृग। तो ये सबसे छोटे साइज का है जो हिरण हमने देखे हैं उनमें, और ये 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक भूरे रंग का बादामी भूरे रंग का जंतु है। इसका ग्रीवा भाग कमर और कुबड़ पर तीन धारियां जो हैं वो पाई जाती है। इसके जो कुबड़ वाला भाग है वहां पर आप इसके अंदर तीन धारियां जो हैं वो देख सकते हैं, ये इस तरह से यहाँ पर ये धारियां जो हैं वो इसके अंदर पाई जाती है। और ये साउथ इंडिया में पाया जाता है और लगभग 1850 फीट ऊंची पहाड़ियों में और मैनार के जंगलों में ये पाया जाता है। तो ये शांत प्रकृति का जीव है जिसको पाला जा सकता है। तो ये जो स्पीसीज हो गई 8 आपके, वो हिरण की 8 स्पीसीज हमारे यहाँ पर पाई जाती है। इनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एंटीलोप की हम बात कर रहे थे, तो भारत में 4 एंटीलोप की स्पीसीज जो है वो पाई जाती है। पहली जो स्पीसीज है आपकी वो है चिंकारा, या भारतीय गजल भी इसको कहा जाता है, इंडियन गजल। इसका नाम याद रखें आप, 2-3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये गजेला गजेला इसका नाम है। दूसरा स्पीसीज हो जाती है ब्लैक बक, भारतीय एंटीलोप ब्लैक बक और इंडियन एंटीलोप एंटीलोप सर्विकाकरा, ब्लैक बक एंटीलोप सर्विकाकरा। और फिर आ जाता है आपका 4 सींग वाला एंटीलोप या चोसिंगा इसको कहा जाता है। इसका जूलॉजिकल नेम जो है वो है आपका टेट्रासेरस क्वाड्रीकॉर्निस, क्वाड्री का मीन्स 4, टेट्रा का मतलब भी 4 होता है। तो ये चतुश्रृंगीय एंटीलोप या चोसिंगा इसको कहा जाता है। और एक जिससे कि आप परिचित हैं वो है आपका नीलगिरी या नील गाय, बोसिफेलस ट्रेगोकैमिलस। इसका भी नाम जो है वो याद रखें आप, बोसिफेलस ट्रेगोकैमिलस, बोसिफेलस ट्रेगोकैमिलस। इन्हें भी सामान्यतः हिरण ही समझ लिया जाता है, लेकिन ये उससे अलग प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे एक एक को लेकर के। ओके।